सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आईआईटी के 4 या फिर 2 करोड़ के पैकेजेस की एक्चुअल में रियलिटी क्या है और क्या मीडिया वाले कवरेज करना भूल जाते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जिससे भाई बच्चों को फालतू की इन्फॉर्मेशन लग जाती है कि आईआईटी में बहुत बढ़िया पैकेजेस लगते हैं बट 4.3 सीआर ये एग्जैक्टली इतना नहीं लगता। मैं आपको कुछ मिथ्स बताऊंगा जो आईआईटी के, जो मेरे हिसाब से सबको जान लेने चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 4.3 सीआर जो लेटेस्ट प्लेसमेंट था अभी तक का हाईएस्ट जितना लगा है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। और ये याद रखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग नहीं है। इसका मतलब जो आप सॉफ्टवेयर की सोचते हैं ना, सॉफ्टवेयर में लगा है, ये पैकेज सॉफ्टवेयर में पहली बार लगा ही नहीं है। तो किस फील्ड में लगा है ये भी बताएंगे फिर, ठीक है। और मज़ेदार बात, ये फॉरेन पैकेजेस है, मतलब डोमेस्टिक नहीं है, इंडिया में नहीं लगा है। तो यहीं से आधी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन ठीक है, अब आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं किस कंपनी ने दी। तो जेन स्ट्रीट नाम की कंपनी है, जेन स्ट्रीट कैपिटल, जिसने ये मतलब पैकेज दिया है, ठीक है। और अगर आप जेन स्ट्रीट कैपिटल के बारे में जानना चाहोगे तो विकिपीडिया कहता है कि ये इसको बोलते हैं, जेन स्ट्रीट कैपिटल को जेन स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, और एक प्रॉपर्टी ट्रेडिंग फर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये ट्रेडिंग फर्म, ठीक है। ट्रेडिंग फर्म क्या होती है, जो स्टॉक्स, ETF, बॉन्ड्स, शेयर मार्केट, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, शेयर मार्केट में पैसा डाले और उससे कमाती है, ठीक है। जैसे अपनी कोई एक रैंडम कंपनी मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं लेस, ठीक है, तो लेस के चिप्स आते हैं, तो ये चिप्स बेच के कमाती हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया इनका FMCG, ठीक है। लेकिन जो ये जेन स्ट्रीट वाली कंपनी है, ये क्या करती है, स्टॉक मार्केट, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में पैसे डालती है, और अगर इधर फ़ायदा होता है तो ये उससे कमाती है, ठीक है। तो याद रख लीजिए। अब आपको एक और चीज़ बताते हैं, ये जो कंपनीज होती हैं ये HFTs के थ्रू कमाती हैं। HFT क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स। अब ये क्या है हाई फ्रिक्वेंसी, अगर आपको पता फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1/T, याद है कि नहीं, JEE के स्टूडेंट होते तो पता होना चाहिए। इस फ्रिक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड में कितनी बार हाई फ्रिक्वेंसी मतलब बहुत बार ट्रेडिंग कर लेते हैं ये लोग, मतलब इतने सारे ट्रांजैक्शन, मतलब हज़ारों लाखों, इनका एल्गोरिदम इतना तेज होता है कि ये 1,00,000 ट्रांजैक्शन एक सेकंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बाइंग सेलिंग तो मतलब कुछ सेकंडों में खेल हो जाता है, ठीक है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए होती है कोडिंग की अच्छी नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी और अच्छी खासी मैथ्स एक्सेट्रा वगैरह में डाल दिए मैंने, तब जाके आपको एल्गोरिदम डिज़ाइन करने होते हैं। ये ऐसे एल्गोरिदम हैं जो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट में पैसे लगा देते हैं और ट्रेडिंग करेंगे आपकी तरफ से। और याद रखिए, ये बहुत ही रिस्की डोमेन है, और जैसे कंपनियां करेंगी आपके एल्गोरिदम के बेसिस पे बहुत सारे पैसे लगाएंगी, जैसे 100 करोड़ रुपये डाल देंगी इस एल्गोरिदम के बेसिस पे। और अगर एल्गोरिदम अच्छा नहीं होता तो कंपनियों का ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर एल्गोरिदम अच्छा होगा तो कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर एल्गोरिदम ऑब्वियसली बैड होगा तो लॉस होगा। तो कंपनी क्या चाहेंगी कि ऑब्वियसली भैया हमारा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये उन लोगों को ही हायर करती हैं जो एक्स्ट्रा लेवल, हाई लेवल ऑफ IQ हो, ठीक है, जिनको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में मास्टरी हो। तो कॉलेज में बच्चे जब इनकी तैयारी करते हैं HFTs की, तो इस वाले डोमेन में इनका पैकेज लग जाता है, ठीक है। और ये SD नहीं है, पहली बात तो याद रख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं है SD, ठीक है। और ये HFT फर्म के अंदर आते हैं, इसमें आपको मैथ्स वगैरह आनी चाहिए। और ये याद रखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको एक ब्रांच वाली वीडियो बना के दी थी अभी 1-2 दिन पहले, तो उसमें बताया था ग्रुप ए ब्रांचेस और ग्रुप बी ब्रांचेस के बारे में डिफरेंस। तो याद रखिए, ये जो कंपनीज हैं ग्रुप ए ब्रांचेस को ही प्रेफर करती हैं मोस्टली CSE, याद रखिए टॉप ब्रांचेस। और इसमें भी अगर आपका CPI 9 से कम है तो आप इनके इंटरव्यू में बैठ ही नहीं सकते, और काफ़ी तगड़ा इंटरव्यू होता है इन लोगों का, ठीक है। और मतलब ऐसा है जैसे हो सकता है कंपनी 65 लाख का पैकेज लेके आई हो, लेकिन बाद में अगर उसे कोई स्टूडेंट पसंद आ जाता है तो वो पैकेज बढ़ा देती हैं। तो सिमिलरली ये 4.3 CR लेकर नहीं आई थी कंपनी, थोड़ा कम ही लेके आई थी, लेकिन उन्हें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स पसंद आ गए जो दूसरी कंपनी में ना भाग जाएं, इसी वजह से पैकेज को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है और IIT में होती है ऑब्वियसली। अब मज़ेदार बात है कि 4.3 CR का CTC ब्रेकडाउन करते हैं, क्योंकि कॉस्ट टू कंपनी है, ठीक है, जो ये जो कंपोनेंट है 4.3, इसमें से पूरा स्टूडेंट को नहीं मिलता, तो कितना मिलता है, तो फिक्स जो कंपोनेंट है 1.6 से 1.8 है, और इसे अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो 220
के डॉलर्स, ठीक है, पर ईयर, याद रखिए ये फिक्स है, मतलब आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आप इसे आप कन्वर्ट करोगे तो भैया 15 लाख हर महीने बैंक अकाउंट में आ जाएगा भैया, बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो, 15, इतनी तो भाई लोगों की सैलरी नहीं होती जो पूरे साल की जितनी इनकी मतलब एक महीने की है, ठीक है। और इसमें 50 लाख का लगभग बोनस रहता है जो आपको ज्वाइन करते ही मिल जाएगा, तो लगभग 61,000 डॉलर के अराउंड। तो भैया 50 लाख बोनस, समझ रहे हो गजब भाई। और बाकी जो रेस्ट रहता है वो वेरिएबल रहता है, वेरिएबल मतलब जैसे आप परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको बोनस मिलेगा, या फिर स्टॉक ऑप्शन रहते हैं, तो ये दोनों के बीच में। तो 2 करोड़ रुपए का ये रहता है वेरिएबल, ठीक है। अब आते हैं और कुछ मज़ेदार चीज़। इंडिया में होते तो भैया टैक्स लग जाता 30% दबा के, ठीक है। अब मैं ज़रा प्लॉट ट्विस्ट की बात करता हूँ कि ये 4.3 CR सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट इसमें एक कैच है। ये पहली बात तो फॉरेन पैकेज है, ठीक है। तो ये जो अपन 4.3 CR बोल रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत बात है भाई। 4.3 CR तुम कन्वर्ट कर रहे हो इंडियन करेंसी में तब जाके हो रहा है। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, $1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो लगभग 81.9 से, इतना जो डॉलर का रेट चल रहा है लगभग 82 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो पैकेज इतने का था 5,30,000 डॉलर पर ईयर। ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, मतलब फॉरेन के हिसाब से भी, ठीक है, बुरा नहीं है, ग्रेट, बट इतना भी ग्रेट नहीं है जितना 4.3 CR हो गया, ठीक है, जो कि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 82 से। तो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको बताता हूँ। तो एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये कंसेप्ट कहता है कि जो जैसे कि आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर कुछ सामान खरीदते हो तो इंडिया में सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू USA। जैसे अगर आप पानी की बोतल ख़रीदने जाओ, ठीक है, अपने इंडिया में कितने रुपए की मिल जाएगी, 20 रुपये में मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 1 लीटर की बोतल, ठीक है। वही अगर आप पानी की बोतल वहाँ पे जाओगे USA में तो वो आपको $3 की मिलेगी, तो मतलब 240 रुपये अगर डॉलर को कन्वर्ट कर लिया, तो मतलब जो चीज़ यहाँ 20 रुपये की है वहाँ पे 240 की मिल रही है, समझ रहे हो। तो इससे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो वहाँ पे सामान वगैरह सब चीज़ें महंगी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इस हिसाब से अगर आप डॉलर का रेट निकालोगे ना, $1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 82 INR, वो एक्चुअल में बनता है कुछ $1 इक्वल्स टू 22 INR के बराबर। तो जो मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए वो 22 से करना चाहिए, ना कि 82 से, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, जैसे कि आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अगर आपके पास USA में आपके पास $1,00,000 हैं, $1,00,000 मान लो, इंडिया में वो कितने हो जाएंगे, 23 लाख, ठीक है। और मतलब बाकी कंट्री से हमें क्या करना, ये वाला देख लो आप, $1,00,000 की वैल्यू इंडिया में 23 लाख से, जो कि अपन एक्चुअल में बोलते हैं कि इतना होना चाहिए 79 लाख, अब तो 82 लाख हो गया, ये पुराना डेटा है, ठीक है। एक्चुअल में जो 82 लाख से जो USA में होने चाहिए वो एक्चुअल में हो जाते हैं 23, ठीक है। इस हिसाब से आप देखोगे तो ये वाला रेशियो देख लीजिए, 1 लाख मतलब लगभग 23 लाख हो गया, तो 5.3 लाख कितना हो जाएगा आपका, 5.3 से मल्टीप्लाई करके 1.22 CR, ठीक है। तो अब 4.3 से वो हो गया है 1.22 CR एक्चुअल में। अब मज़ेदार बात, मैंने आपको बताया था पीछे वाली स्लाइड में कि जो 4.3 CR है उसमें से फिक्स्ड वाला इतना रहता है और जो ज्वाइनिंग बोनस है इतना, बाकी वेरिएबल है जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी कैच है, तो लगभग 2.2 लाख तो ये, और 60,000 ये हो गया आपका जो आपके महीने की मतलब उस साल फर्स्ट ईयर में आपके उसमें आएगा। तो ये कितना हो गया अमाउंट, अभी ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। कहाँ गया भैया, हाँ तो ये गया, ये तो आपका जो 2,80,000 है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, मतलब ऑब्वियसली 2.8 into मतलब into, ठीक है, 23, तो लगभग आपका 65 लाख आएगा। तो एक्चुअल में 65 लाख का पैकेज है, ठीक है, ना कि 4.3 करोड़ का। तो भाई हवा भरी थी, लेस का पैकेट खाए हो ना, लेस का पैकेट जिससे हवा भरी रहती है, तो सेम सिचुएशन में हवा इसमें भी भरी है। तो लोग बताते नहीं है, ये मीडिया वाले खबर, तो भैया 4.3 CR पैकेज, अरे भैया 65 लाख है अगर एक्चुअल में देखो तो, ठीक है। तो 4.3 CR आपका 65 लाख रह जाता है। हाँ ये बात अलग है, परफॉर्मेंस बोनस ज़ीरो नहीं होता ऑब्वियसली, कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, एक मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। बट मैंने उसे कंसीडर नहीं कराया, पूछो क्यों भैया टैक्स डिडक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने इन एंड बता दिया डायरेक्ट, कुछ टैक्स डिडक्शन होगा उसे हम काट देते हैं बोनस में से, ठीक है। तो जितना बचा वो आपका हो गई सैलरी, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही 65 लाख सुनने में, 4.3 CR बहुत तगड़ा लग रहा था, लेकिन 65 लाख नहीं लगता,
यही असली रियलिटी ही रही है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर यही पैकेज और ये लगा है कुछ लोगों का 1.5 CR के अराउंड, IIT कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, दिल्ली और कानपुर, ठीक है, इन इंडिया लगा है, वो इससे बेटर है क्योंकि इन इंडिया है भाई। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो सारे पक्ष आपको इंडिया में मिल जाएंगे। तो याद रखिए, फॉरेन पैकेजेस को कभी भी मल्टीप्लाई 80 से नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। और IIT वर्थ इट है अभी भी, प्लेसमेंट की वजह से नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे ओपन कर देता है गेट्स, ठीक है। रिसर्च में आप जा सकते हैं, आप स्टार्टअप कर बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, ठीक है। और हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला था, बी अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। तो भाई जो लोग जॉब के लिए पीछे भाग रहे हैं, भाई इन द फ्यूचर आप भी ऊब जाएंगे जॉब वगैरह से, और इसलिए बेटर है कि आप कुछ यूनिक करें अपने देश के लिए। बी अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। और भैया अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बुक ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको 36 बार बता सकता हूँ, अब कितनी बार बताऊँ ये बता दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहुँच जाओ यार, पढ़ लो, अच्छी बुक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसी रियलिटी के लिए कमेंट में बताइए और कौन सी टाइप की वीडियो आपको पसंद है, हम वही बना दिया करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।